हाय फ्रेंड, कैसे हो? आज हम मूली और धनिया पत्ते का मिक्स चटनी बनाने का तरीका बताएंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ या पकौड़े के साथ भी खा सकते हो। आपने धनिया चटनी, टमाटर चटनी, सरसों का चटनी बहुत सारे खाए होंगे। इसका स्वाद ही कुछ अलग लगती है। सर्दियों के सीजन में अभी बहुत सारे मूली आते हैं। इसी सीजन का मूली का चटनी खाने में स्वादिष्ट लगती है। अब हम बनाने का प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले हमने 2 हरी मिर्च, 6 कली लहसुन, 1 मूली छील करके छोटे टुकड़ों में हमने कट कर ली है और धनिया के पत्ते ले ली है। अब एक मिक्सी जार में डालकर सभी को चटनी बनाने का प्रोसेस में चलते हैं। हमने मिक्सी जार में कटी हुई मूली को डाल दी है। सभी मूली को हमने डाल दी है और लहसुन भी डाल दिए हैं। हरी मिर्च, आप चाहे तो सूखी मिर्च का भी यूज कर सकते हो, और धनिया के पत्ते। आप चाहे तो एक नींबू का रस भी डाल सकते हो, और 1 चम्मच हमने जीरा डाल दी है। जीरा हम इसलिए डालें ताकि मूली और धनिया पत्ते चटनी का स्वाद दुगना कर दे। आधी छोटी चम्मच हमने सादा नमक, आधी छोटी चम्मच हमने काला नमक डाल दी है। आधी छोटी चम्मच ही सादा नमक, क्योंकि हमने काला नमक का भी यूज किया है, इसीलिए आधी आधी छोटी चम्मच ही लेना है। अब सभी को एक पेस्ट दरदरा हमने बना ली है। अब इसमें 2 चम्मच पानी का यूज करेंगे। हमने 2 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से चम्मच से ही मिक्स कर लिए हैं। फिर से एक बार लगाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। हमने फिर से लगाकर एक पेस्ट बना ली है। अब चटनी तैयार हो गई है। आप चाहे तो सिलबट्टे में भी बना सकते हो, या आप मिक्सी जार में भी बना सकते हो। मूली का चटनी बनकर तैयार हो गई है। मूली का चटनी बनाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। पहली बार वीडियो देख रहे हो तो बेल आइकन दबा देना। वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आप मेरे साथ वीडियो में इसी तरह से बने रहें।